केतनो जे रोकिले मनावा तोहरा पीछे भागे। क्या आप भी इस तरीके की स्टेटस वीडियो को बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको वीडियो पूरा समझ में आए। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे इस प्रकार की स्टेटस वीडियो को अपने स्मार्टफोन की मदद से आप बना सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार शाह और आपका डिजिटल वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे लगे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इस प्रकार का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। तो हमेशा की तरह हमें काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए क्रिएट न्यू का जो ऑप्शन दिख रहा है इसको दबा देना है और 16:9 का रेशियो लेकर इसे नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको इमेज में जाना है और एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना है जिसका लेंथ आप जितने समय का वीडियो बनाना चाहते हैं उतने समय का कर सकते हैं, तो मैं कुछ इतने समय का कर देता हूं। उसके बाद दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ PNGs और वीडियो का लिंक दूंगा, सिंपली आपको जाना है उनको डाउनलोड करके यहां पे लेके आना है। डाउनलोड करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप जाके वहाँ पर ज्वाइन हो जाए, क्योंकि वहाँ पर मैं अलग अलग तरीके के मटेरियल और ऐप प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो मेक श्योर आप वहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाए। और इस वीडियो का साउंड का लिंक भी मैं टेलीग्राम चैनल पर दूंगा तो आप वहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाए। तो दोस्तों मैं पहले PNG को लेके आता हूँ। इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और इस पहले PNG को लेके आना है। तो ये हमारा वो पहला PNG है, इसे सिंपली घींच कर बड़ा कर देना है पूरा लेयर के अनुसार और इस पर क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन या यहाँ तक इस तरीके से कुछ कर देना है। इतना हमें रखना है, कुछ इस प्रकार से रखना है, इस तरीके से रखना है। इसके बाद दोस्तों एक और PNG को ऐड करना है। इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, फिर से PNG को ऐड कर लेना है। तो ये हमारा बर्ड वाला PNG है, छोटा करके इसे यहाँ पे हमें रख देना है, थोड़ा छोटा करके इस तरीके से हमें इसे रख देना है। देखिए कुछ इस प्रकार से रहेगा और इसे वीडियो के अनुसार खींच के बड़ा कर देना है। इसके बाद एक और PNG को हमें ऐड करना है। इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, उस PNG को ऐड कर देना है। तो ये हमारा वो लव वाला हार्ट वाला PNG है, यहाँ पर इसे इस तरीके से रख देना है, कुछ इस प्रकार से रख देना है। देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा। इसके बाद इसे लेयर के अनुसार खींच के बड़ा कर देना है। इसके बाद दोस्तों एक और PNG को ऐड करना है। इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, उस PNG को ऐड कर देना है। तो ये हमारा वो PNG है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें रख देना है, थोड़ा छोटा कर लेना है, इसे यहाँ पे इस प्रकार से रख देना है, कुछ इस तरीके से रहेगा और इसे लेयर के अनुसार खींच के बड़ा कर देना है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों इसमें हमें कलर वीडियो को ऐड कर देना है। इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, उस कलर वाले वीडियो को ऐड कर देना है। तो ये हमारा कलर वाला वीडियो, इसे सिंपली इस तरीके से बड़ा कर लेना है खींच के, और दाहिनी तरफ आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा। देखिए यहाँ पे ये ब्लेंडिंग का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है और इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, तो कुछ इस तरीके से रहेगा। देखिए जो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा, कुछ इस प्रकार से। इसे आप थोड़ा इस साइड में भी कर सकते हैं, लेयर वाले कलर वाले लेयर पर क्लिक करके इस तरीके से कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद दोस्तों हमें टेक्स्ट वाले वीडियो को ऐड करना है। इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, उस टेक्स्ट वाले वीडियो को ऐड कर देना है। तो ये हमारा टेक्स्ट वाला वीडियो है, इसे सिंपली दाहिनी तरफ जाना है, आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और इसे सिंपली स्क्रीन कर देना है। देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा, स्क्रीन यहाँ पे कर देना है, इस प्रकार से रहेगा और इसे छोटा कर लेना है, एकदम साइड में इस तरीके से रखना है, इस तरीके से छोटा कर देना है, इस प्रकार रहेगा। और दाहिनी तरफ देखिए क्रॉपिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और इसके मास्क को एनेबल कर देना है, इसके मास्क को इस तरीके से, फेदर को इस तरीके से बढ़ा देना है, कुछ इस तरीके से कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हो चुका है, देखिए कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद दोस्तों इसमें फॉग वाले इफेक्ट को ऐड करना है। इसके लिए लेयर में जाना है, स्टिकर देखिए यहाँ पे स्टिकर में जाना है और आपको उस फॉग वाले इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना, बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए स्टोर का ऑप्शन ऊपर दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप आसानी से स्टोर इस फॉग को डाउनलोड कर सकते हैं। मिस्टीरियस फॉग करना है और ये वाला ले लेना है और इसे नीचे एकदम रख देना है, कुछ इस तरीके से थोड़ा हल्का बड़ा कर लेना है, इस तरीके से नीचे रख देना है और वीडियो के अनुसार खींच के बड़ा कर देना है। इसके बाद दोस्तों एक और हमें लेयर में जाना है, स्टिकर में जाना है और एक और इफ़ेक्ट को डाउनलोड कर लेना है। देखिए ये बुके टू है, ये वाला इफ़ेक्ट को आपको डाउनलोड कर लेना है और ये वाला आपको लव वाला हार्ट वाला यहाँ पे ऐड कर लेना है। आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं बड़े आसानी से, बुके 2 ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरीके से कुछ रहेगा जो देखने में अच्छा लगेगा। तो हमारा फाइनली वीडियो बनकर रेडी हो चुका है, सिंपली मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा ये वीडियो रहेगा जो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा।
इस तरीके की वीडियो को दोस्तों आप बड़े आसानी से अपने स्मार्टफोन की मदद से बना सकते हैं। दोस्तों इसके साउंड का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को मेक श्योर ज्वाइन कर ले ताकि आपको इसका साउंड मिल सके। तो इसे सेव और शेयर करने के लिए दाहिनी तरफ देखिए एरो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और अपने फाइल के रेजुलेशन को चुनकर सिंपली इसे सेव कर देना है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप बड़े ही आसानी से इस प्रकार की स्टेटस वीडियो को बना सकते हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा रिस्पांस मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे लगे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इस प्रकार का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।